एक नर्सिंग होम में मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला देवरिया जनपद के सावित्री नर्सिंग होम का है, जहां एक महिला को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद नाराज परिजनों ने देवरिया सलीमपुर मार्ग को जाम कर दिया। परिजनों की मांग थी कि उक्त डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज हो, क्योंकि उसकी लापरवाही से महिला की मौत हुई है। जाम की सूचना मिलने के बाद सदर कोतवाल वहां पहुंचे और हल्का बल का प्रयोग कर सड़क जाम खुलवाया और परिजनों की नाराजगी को देखते हुए वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम और तहसीलदार पहुंचे। वहां नर्सिंग होम से महिला की पूरी पर्ची अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। परिजनों का आरोप है कि शुरू में मरीज के साथ लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण हमारे मरीज की मौत हो गई। हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो और दोषी डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई हो। वहीं मौके पर पहुंचे सदर तहसीलदार ने बताया कि एक महिला मरीज की इलाज के दौरान हुई है, जिस कारण उसकी मृत्यु हुई है। जांच के बाद पता चलेगा कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। देवरिया से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उन्होंने फोन किया कि बाबू ऐसी घटना है, देखिए आगे उनका मतलब हरकत नहीं हो रहा शरीर में। हम लोग आए, हम लोग मरीज देखने गए, मरीज देखने को हम लोग मरीज देखे मतलब बाहर जाओ, बाहर तुम्हारे आदमी खड़े हैं, बाहर जाओ, पैसा जमा करिए, जल्दी पैसा जमा कराइए। हम बोले भैया पैसा आ रहा है। इसके बाद पता चला, हम बोले डॉक्टर कौन देख रहे हैं, डॉक्टर का नाम नहीं बता रहे हैं लोग कि किस डॉक्टर ने इस मरीज का चेकअप कर रहा है, वो डॉक्टर है नहीं। हम लोग बोले भैया अगर डॉक्टर नहीं तो तुम डिस्चार्ज कर दिए होते, तब डॉक्टर ने क्यों लिए, डॉक्टर का नाम नहीं बता रहे हैं कि किस डॉक्टर की देख रेख में दवा करा, क्यों तुम डॉक्टर भर्ती किए हो तो किसी डॉक्टर का नाम बताओ ना, भाई फलाने ये डॉक्टर ने आपका मरीज चेकअप कर रहा है। हम लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई हो और हत्या करवाई हो। इसने कई लोगों का हत्या किया है, इसने कितने लोग हत्या किया, इसके ऊपर FIR हो और उचित कार्रवाई हो। पुलिस प्रशासन सर आई है, केवल बात की है, CMO साहब आए बात किए हैं, डॉक्टर नहीं मिला, बोल रहे भैया आप लोग जाकर PMO करिए, पोस्टमार्टम क्यों कराए, आखिर में हमारा हत्या किया, पहले हत्या किया उसके बाद जांच हो, पहले मुकदमा हो इसके ऊपर, उचित कार्रवाई हो।